नमस्कार, आप देख रहे हैं C20 न्यूज और मैं हूं भनवारीलाल कुशवाहा। देखते हैं कुछ खास खबरें। हिमाचल के रामपुर उपमंडल के तहत में एक कार के खाई में गिरने से 3 युवकों की मौत हो गई जबकि 3 घायल बताए जा रहे हैं। रायबरेली के खीरों में साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में एक कार खड़े पेड़ से टकराई जिसमें कार पर सवार एक महिला सहित 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, एक युवक घायल। हाथरस में प्रॉपर्टी डीलर और उसकी पत्नी पर फायरिंग, पत्नी की मौत जबकि प्रॉपर्टी डीलर घायल। बुलंदशहर में कारखाने की छत गिरने से 2 महिलाओं की मौत, मलबे में 15 से अधिक फंसे। गाजियाबाद में कनपटी पर तमंचा लगाकर कारोबारी से 55 लाख की लूट। उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी, पूरे हफ्ते नहीं मिलेगी सर्दी से राहत। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के साथ ही विधान परिषद MLC की 36 सीटों के लिए भी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो गई है। 35 स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों में 36 सदस्यों का कार्यकाल 7 मार्च को पूरा हो गया है। विद्युतीकरण कार्य पूर्ण होने के बाद मैनपुरी शुभाबाद ट्रैक पर शुक्रवार को पहली ट्रेन ने रफ्तार भरी। टूंडला स्टेशन पर इलेक्ट्रिक इंजन की मदद से मालगाड़ी को रवाना किया गया। जापान की महिला आगरा में धोखाधड़ी का शिकार हो गई। उनका आरोप है कि 2 लोगों ने सोने के जेवरात के व्यापार में 50 दीदी का मुनाफा देकर 23 लाख रुपये ले लिए। उन्हें बाद में धोखाधड़ी का पता चला। गाजियाबाद शहर कोतवाली पुलिस ने UP चुनाव को प्रभावित करने की साजिश का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया है। आरोपी अब तक करीब 30,000 फर्जी आधार कार्ड बना चुके हैं। खिलाड़ियों की तैयारी के लिए नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर 21A नोएडा में शूटिंग रेंज की सुविधा शुरू कर दी है। सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी नोएडा प्राधिकरण ने दी। तो बने रहिए C20 न्यूज बनवारीलाल कुशवाहा के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। Daytones.com.